हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स सेमेस्टर सेकेंड के लिए जो पेपर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसके तीन पेपर हैं। ये जो पहला पेपर हम डिस्कस करेंगे ये 2023 के अंदर आ चुका है, तो हम लोग यहाँ पे तीन पेपर डिस्कस करेंगे, तो आपके एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि जनरली इसी में से तीन चार पेपर के अंदर से ही क्वेश्चन आ जाता है। तो सेक्शन ए के अंदर से आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सेलिंग कॉस्ट हाउ डू दे इन्फ्लुएंस द इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म अंडर द कंडीशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखो, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ये चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आपने पूरी तरह से करना है क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन डिटेल। थर्ड जो है रिकार्डियन थ्योरी, तो इसके साथ आपने मॉडर्न थ्योरी को भी याद करना है। फिर उसके बाद है द थ्योरी विच एक्सप्लेन द प्रॉफिट आर ए नेसेसरी रिवॉर्ड ऑफ द एंटरप्रेन्योर फॉर बेयरिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन चेंजिंग इकोनॉमी। तो यहाँ पे हमने एप्रोप्रिएट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट जो है इसमें यहाँ पे आपने जो है रिस्क और अनसर्टेनिटी की थ्योरी को भी बताना है और दूसरी थ्योरीज को भी डिस्कस करना है और बताना है कौन सी जो प्रॉफिट की थ्योरी है वो एप्रोप्रिएट है। तो यहाँ से आपने करने हैं टू क्वेश्चन। उसके बाद है नेशनल इनकम को किस तरह से मेयर करते हैं, स्पेशल प्रॉब्लम्स क्या हैं जो फेस होती हैं, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है और इसको एग्जांपल के साथ बताना है। सेल्स लॉ ऑफ मार्केट इज़ द कोर ऑफ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो इसमें सेल्स लॉ ऑफ मार्केट को आपने बताना है, एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद कंजम्पशन फंक्शन एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। तो सारा मटेरियल आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा, तो सेक्शन सी के भी शॉर्ट क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लीजिए। नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन, शेप ऑफ डिमांड कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ड्यूपोली, ओपन एंड क्लोज्ड इकॉनमी, फैक्टर प्राइसिंग, डिटर्मिनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, नॉमिनल वेरिएबल, डिफरेंस बिटवीन रियल एंड नॉमिनल वैल्यू, पर्सनल इनकम, इंड्यूस्ड एंड ऑटोनॉमस। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ये वाला पेपर। तो यहाँ पे है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स। तो मोनोपोलिस्टिक का जो चैप्टर है डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ही आ सकते हैं, इवन ग्रुप इक्विलिब्रियम के ऊपर भी आ सकता है। मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्कस इट्स अजम्पशन, रिस्क और अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, डिस्कस इट्स क्रिटिसिज्म। फिर उसके बाद है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, पेव द वे फॉर मॉडर्न इकोनॉमिक्स टू एक्सप्रेस द आइडियाज़ फॉर द सिमिलर इशू। यहाँ पे बताना है कि मॉडर्न थ्योरी जो है किस तरह से रिकार्डियन थ्योरी से बेटर है। फिर सेक्शन बी के अंदर जो है व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, डिस्कस द प्रोडक्ट एंड इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग GNP और व्हाट वुड दी बी एस्टिमेट इक्वल, क्योंकि तीन मेथड हैं तो तीनों के द्वारा इनकम जो होती है सेम ही होती है। फिर एक्सपेंडिचर मेथड से हम किस तरह से मेयर करते हैं, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिर उसके बाद कंजम्पशन फंक्शन, इसकी प्रॉपर्टी और डिटर्मिनेंट, तो हम देखते हैं काफ़ी कुछ रिपीटेड है। फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो है नोट कर लीजिए, एक्सेस कैपेसिटी, प्राइसिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रियल वेरिएबल, नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, फीचर्स ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिस्पोजेबल इनकम, एक्स एंटी एक्सपोस्ट, क्लूसिव एंड नॉन क्लूसिव वाली पॉपली, ट्रांसफर अर्निंग। फिर उसके बाद हम एक और पेपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहले शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप देखते हो कि काफ़ी कुछ रैपिटेटिव है, तो इसको भी नोट कर लीजिए सारे क्वेश्चन। फिर ये इसके लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको भी नोट कर लीजिए। देखो, मोनोपोलिस्टिक में से आता ही आता है, तो ये चैप्टर तो आपने अच्छी तरह से करना है। ओलिगोपॉली भी इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह ही मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, फिर ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के अंदर डिफरेंस क्या है। फिर सेक्शन सी के भी चारों क्वेश्चन नोट कर लीजिए, जिसमें से आपको करने हैं टू क्वेश्चन।